हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा सिंह आज बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च का झटपट बनने वाला तीखा अचार। इसके लिए जो मुझे सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। मैंने 100 ग्राम हरी मिर्चें इस तरह से टुकड़ों में काट के और थोड़ी देर धूप में सुखा लिए। मसाले चाहिए मुझे 3 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना, पिसी हुई राई 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हींग और सरसों का तेल। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गैस जलाकर हम सौंफ को भूनेंगे और इसके साथ ही मेथी दाना डाल देंगे। मसाले इसलिए भूनते हैं ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए। सौंफ और मेथी भून चुकी है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीसूंगी। मैंने इस तरह से सौंफ और मेथी को पीस लिया है। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी, लगभग 2 से 3 चम्मच। हल्का गरम करके थोड़ी सी हींग डालूंगी। ये हींग गरम होने लगी है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे तेल ज़्यादा गरम नहीं करना है। और अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। सबसे पहले सौंफ और मेथी, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, पिसी हुई राई। यह अचार बहुत जल्दी बनता है और अच्छा भी लगता है। इसको आराम से आप 15-20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये सब मिर्चें डाल दी। गैस मैंने बंद करी हुई है। मुझे इसको सब्जी की तरह नहीं पकाना है, मुझे इसको बस गरम तेल में मसालों के साथ मिक्स करना है। अब मैं इसमें 1 नींबू का रस डालूंगी। ये अचार खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें सिरके का मिक्स करा है। ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और इसके अंदर थोड़ा तीखापन भी लाएगा। ये अचार का मसाला अच्छे से मिल गया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल दी हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दूंगी। 1 या 2 दिन के बाद आप इसको खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। देखिए ये अचार इस तरह से बना है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। अगर मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो
तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।